हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आम का अचार बना रही हूँ, ग्रेटेड मैंगो पिकल। तो मैंने यहाँ पर आम लिए हैं जो कि कच्चे हैं। हमें आम की चटनी बनाने के लिए सिर्फ कच्चे आम का ही इस्तेमाल करना है। तो हम पहले आम को अच्छे से छील लेंगे इस तरह। आम की चटनी को जो है आप प्लेन राइस और चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हो, और इसको आप बनाकर कई महीनों तक स्टोर भी कर सकते हो। तो मैंने इस तरह सारे आम को छील लिया है। तो हम अब एक ग्रेटर लेंगे और मीडियम साइज में इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह हम अभी सारे आम को ग्रेट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने 1 टेबलस्पून जीरा और 1/2 टीस्पून मेथी दाने लिया है। इसको अब हम हल्के से रोस्ट कर लेंगे एक पैन में। इसको बिना जलाए हम अच्छे से रोस्ट करेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। एक मिक्सर जार में ऐड करके इसका फाइन पाउडर बना लेंगे। नेक्स्ट प्रोसेस के लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून हल्दी, 3 टेबलस्पून नमक, 4 टेबलस्पून विनेगर, 1 कप कुकिंग ऑयल, 3 सूखी लाल मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ, 1/2 टीस्पून राय, काली मिर्च और कड़ी पत्ते लिया है। मैंने यहाँ पर टीका लाल का रेड चिली पाउडर यूज़ किया है 20 ग्राम्स का। पैन में हम ऑयल को गरम होने देंगे। जब ऑयल अच्छे से गरम हो जाए, लहसुन की कलियां ऐड कर लें। हमें जो है अचार के मसाले को लो फ्लेम पर ही कुक करना है, नहीं तो मसाले जल सकते हैं। लाल मिर्च को ऐड कर लें, राय और कड़ी पत्ते को भी ऐड कर लें, काली मिर्च को भी ऐड कर लें, और मैं यहाँ पर हल्दी ऐड कर रही हूँ। नमक जो है थोड़ा अचार में ज़्यादा लगता है गाइस, तो आप अपने स्वाद अनुसार नमक ऐड करें। जो मसाला हमने ग्राइंड किया था उसको भी ऐड कर लें। लो फ्लेम पर रख कर ही सारे मसालों को अच्छे से पकने दें। फ्लेम को ऑफ करने के बाद हम रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। टीका लाल रेड चिली पाउडर ऐड करने से कलर अच्छा आएगा। तो जब मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा, हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करें। फिर विनेगर को ऐड कर लें। विनेगर, नमक और तेल जो है एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है अचार में। तो हम इसको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद एक कांच के जार में इसको स्टोर कर लें। आप इसको 2 दिन धूप में रखें या फिर फ्रिज में रखकर भी इसको यूज़ कर सकते हो। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।